ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र अश्विनी से लेकर के रेवती तक, इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है। यह पुष्य नक्षत्र को तिष्य भी माना कहा है हमारे ऋग्वेद में। तिष्य का मतलब जो शुभ होता है, यानी जो मांगलिक होता है। तो इस पुष्य नक्षत्र में लगभग विवाह को छोड़ करके सारे मांगलिक काम, शुभ कार्य करना बहुत शुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनि। और शनि हमारे कर्मदाता, हमारे कर्मों के फल देने वाले ग्रह है शनि भगवान। यही पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार को आता है, बृहस्पतिवार को, तो गुरु पुष्यामृत योग बनता है। और वही यदि रविवार को आता है तो रवि पुष्यामृत योग बनता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र ही आ जाए तो 100 दोषों भी हो तो उसको नाश कर देता है। उसमें भी अगर रवि पुष्यामृत या गुरु पुष्यामृत का योग आ जाए तो वह तो और सोने में सुहागा हो जाता है। उसकी शक्ति, उसकी सिद्धता, उसका पावरफुलनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। साल 2024 में अगर हम देखें पुष्य नक्षत्र कब आएगा, तो वैसे हर 12 महीने में साल में 12 पुष्य नक्षत्र आते हैं, लेकिन गुरु पुष्यामृत या रवि पुष्यामृत, यानी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र और रविवार को पुष्य नक्षत्र, यह योग बहुत कम आता है। साल 2024 में गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बनेगा अक्टूबर के महीने में। आइए जानते हैं अक्टूबर के महीने में गुरु पुष्यामृत योग कब रहेगा। इस दिन आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से कार्य अवॉइड करने चाहिए, और क्या ऐसा उपाय होगा जिससे हमारे ऊपर भगवान की भक्ति, हमें स्थिरता प्राप्त हो। सर्वप्रथम अगर हम बात करें पुष्य नक्षत्र कब प्रारंभ होगा, तो सर्वप्रथम पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को प्रातः के 6:16 और गुरु पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को प्रातः 7:40। तो इसके हिसाब से साल 2024 में यह गुरु पुष्य नक्षत्र कब आएगा, यह आएगा विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि गुरुवार दिनांक 24/10/2024 को। ध्यान दीजिएगा, इस दिन पूरा दिन भर पुष्य नक्षत्र और गुरुवार है तो गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। लेकिन इसके साथ ही इस बार अक्टूबर में गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ और दो अच्छे योग ऐड हो गए हैं। एक तो है सर्वा सिद्धि योग और दूसरा है अमृत सिद्धि योग। तो गुरु पुष्यामृत योग, उसमें भी सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, तो यह तो कितना पावरफुल, कितना चमत्कारिक हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो इतना जब शुभ दिन हो तो यह वेस्ट नहीं जाना चाहिए, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस गुरु पुष्यामृत योग में आप दो तरह के कार्य कर सकते हैं, पहला आध्यात्मिक कार्य, दूसरा आपका व्यक्तिगत कार्य। तो जो आध्यात्मिक कार्य आता है, यानी ऐसे कार्य जिनको इस दिन करने से हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, तो अगर हम बात करें आध्यात्मिक कार्य, तो उनमें आप जप है, तप है, दान पुण्य है, पूजा पाठ है, साधना है, यह आप करिए। दान पुण्य की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि दीपावली से थोड़े दिन पूर्व में ही आ रहा है, पहले ही आ रहा है, तो इस दिन आप जो लोग गरीब असहाय परिवार के लोग हो रहते हैं, उनमें आप नए वस्त्र दान कर सकते हैं, उनमें फटाके आप दान कर सकते हैं, या फिर आप उनमें मिठाई है, फल फ्रूट है, इनका वितरण कर सकते हैं। जब आप वस्त्र दान कर रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पुराने पहने हुए वस्त्र ना हो, नूतन नए वस्त्रों का दान आपको इस दिन करना है। तो यह हुआ, यह सब करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब गुरु पुष्य नक्षत्र है तो भाई संसारी कार्य का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए, थोड़ी सी हमारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं जो होती है उनको भी हम पूर्ण कर सकते हैं। तो इस दिन अगर आप कोई लौकिक कार्य करना है, जैसे आपके नए वाहन की खरीदी है, आप भूमि का रजिस्ट्रेशन करना है, वो कर सकते हैं। अगर आप नया व्यापार करना चाहे, फैक्ट्री करने चाहे, तो वह आप कर सकते हैं। ये सब शुभ कार्य, सांसारिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जिस दिन आप ये कार्य कर रहे हैं, इस दिन आपके नाम से चंद्रमा शुभ हो, गुरु सूर्य का बल अच्छा हो, और कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट हो वह सब हो, तो यह सारे सांसारिक कार्य भी आप कर सकते हैं। दीपावली से पूर्व यह आ रहा है तो इस दिन जो है एक और शुभ कार्य आपको क्या करना है, क्योंकि दीपावली के दिन नया साल भी चालू होता है, तो यहां से हम लोग अपना बही खाता का भी हम लोग निर्माण करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं, नया सोपड़ा आदि हम खरीदते हैं। तो इस दिन अगर गुरु पुष्य वाले नक्षत्र के दिन आप अगर अपना सोपड़ा है, यानी बही खाता है, किताबें हैं स्टेशनरी से संबंधित, उनको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय रहेगा
प्रातः 9:11 से 10:28, दोपहर के 11:47 से 1:29 तक और शाम के 5:51 से 7:11 तक। तो यह समय है अगर आप अपनी स्टेशनरी का ऑर्डर देना चाहे या खरीदना चाहे तो वह भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा अभी दो तरह के कार्य हो, जैसे मैंने अभी कहा कि आध्यात्मिक कार्य और सांसारिक कार्य। सांसारिक कार्य के लिए तो दिन बहुत आते रहते हैं साल भर में, लेकिन ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब हम अपना स्व कल्याण कर सके, हम अपना एनलाइटमेंट कर सके, तो उसके लिए गुरु पुष्य नक्षत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ठीक है, संसार की थोड़ी बहुत चीजें हमने खरीद ली, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद दिन भर आप अपनी साधना में, अपनी नई, अगर आप अपनी तपस्या प्रारंभ करना चाहते हैं, नई साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, माला आदि नया धार्मिक कार्य अगर आप करना चाहते हैं, तो इस दिन का आपको प्रतीक्षा होनी चाहिए और इस दिन आप अपने नाम से चंद्रमा आदि देख करके प्रारंभ कर सकते हैं।